बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, सबसे पहले टेक्स्ट वीडियो के चंद आइटम की वजाहत करता हूँ। आइटम नंबर 1, तहारत कामिला क्या है। नाज़रीन, कुछ लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं, वहाँ पर वाशरूम भी होते हैं, वाशरूम में माजरत के साथ पेशाब करते हैं, वहीं पर इस्तिंजा करके बाहर आते हैं और वजू मुकम्मल करके मस्जिद के अंदर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नाजरीन, आप मुझे जवाब दें कि क्या ये तहारत ठीक है? क्या गुरफे इस्तिंजा से बाहर आते हुए फिर वजू मुकम्मल करते हुए और फिर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हुए पेशाब के कतरे नहीं आते? ये एक जवाब तलब सवाल है, इसका जवाब आपने देना है नाजरीन। आइटम नंबर 2, मुअत्तर और खुशबूदार होने से मुराद यह है कि आप सादी अतर लगाएं, स्प्रे वाली परफ्यूम ना लगाएं, उसमें अल्कोहल होता है, या यह कि अपने कमरे में कोई अच्छी सी अगरबत्ती जलाएं। आइटम नंबर 4, सदका कितना दे। ये सदका हस्ब तौफीक है नाजरीन, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या उससे ज़्यादा हज़ारों रुपए तक, ये हस्ब तौफीक है। आइटम नंबर 8, अल्लाह ताला अजीम ज़ात है, अल्लाह से वो चीज़ मांगो नाजरीन जिसका हुसूल आपके लिए मुश्किल और नामुमकिन हो। लिहाजा अल्लाह से जूते का तस्मा मांगना या टोपी मांगना या रूमाल मांगना या पहनने के लिए मास्क मांगना दुरुस्त नहीं है। आइटम नंबर 16, उसमें लिखा हुआ है अल्लाह का जिक्र और हम्दुसना। अल्लाह का जिक्र और हम्दुसना यह है नाज़रीन, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यह कहना है नाज़रीन। मज़ीद जानने और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्कॉलर टीवी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया नाज़रीन। हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 186 में फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं उनके करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 180 में फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं, उसको उसके नामों से पुकारा करो, यानी उन्हीं नामों से दुआ किया करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में फरमाया, वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझसे दुआ किया करो, यानी मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। नाज़रीन किराम, अब स्क्रीन पर आइए और सबूत और दस्तावेज़ देखें। एक पुरानी किताब आपके सामने है नाज़रीन, ये किताब 14 साल पहले बीरूत लिबनान से अरबी ज़ुबान में शाई हुई है। इस किताब में आदाब दुआ या दुआ के तौर तरीक़े रेड लाइनों से उसकी निशानदेही की गई है। अरबी मतन साफ नज़र आ रहा है आपको, आप ख़ुद भी अरबी समझ सकते हैं और किसी और से तर्जमे की तस्दीक भी करा सकते हैं। अब आइए नाज़रीन टेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि दुआ करने का तरीक़ा या दुआ के आदाब क्या है। आइए بسم الله الرحمن الرحيم
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله السائحون الراكعون السائحون